हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल के सिस्टम अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट है वो उन डिवाइस के लिए रिलीज किया जाता है जिन सभी के अंदर आपको गूगल के जो यहाँ पर फैसिलिटी है वो देखने को मिलती है। तो बेसिक सी बात है, जितने भी जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन है उन सभी के अंदर आप लोगों को गूगल की जो सर्विस है वो देखने को मिलती है। तो ये जो अपडेट है वो रिलीज ही इसलिए किया जाता है कि ताकि आपके फोन के अंदर कोई बग या फिर कोई इश्यू या फिर वायरस है ना वो आ जाए तो आप लोगों को टाइम टू टाइम इसके यहाँ पर प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलती रहे। तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि रियलमी का डिवाइस या फिर वन प्लस या फिर वीवो ओप्पो सैमसंग कोई भी डिवाइस है ना वो यूज करते हो तो सेटिंग में जाके आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सर्च करना है गूगल प्ले सिस्टम अपडेट। अभी मैं यहाँ पर एक शाओमी का डिवाइस है वो यूज कर रहा हूँ तो इसके अंदर तो सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में सिस्टम स्टेटस के अंदर आने के बाद में गूगल प्ले सिस्टम अपडेट के अंदर आपको यहाँ पर अपडेट की साइज है वो शो हो जाएगी। अभी कुछ डिवाइस के अंदर तो आपको अपडेट की साइज है वो मिलेगी 44 MB, कुछ के अंदर 50 MB और कुछ के अंदर KB के अंदर भी आप लोगों को अपडेट की साइज है वो मिलेगी। तो अलग अलग डिफरेंट साइज आपको मिलेगी और कुछ डिवाइस के लिए तो अपडेट है ना वो भी शो नहीं होगा तो आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है। अपडेट है वो जरूर से यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस अपडेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लेगा और आपको अपना फोन है उसको यहाँ पर बस रिस्टार्ट करना है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो बस यही प्रोसेस थी कंप्लीट करना। बाकी यहाँ पर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।